तो आज बन रही है गर्मियों की खास ड्रिंक, एकदम समर ड्रिंक स्पेशल। तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कैरी का पना। उसे कच्चे आम की छाछ भी बोलते हैं और पना भी बोलते हैं। हम लोग तो कैरी की छाछ ही बोलते हैं, बाकी आप लोग जो भी बोलते हैं आप बोल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिया है कच्चा आम कैरी। मैंने इस साइज के लिए थे, इसके छिलके उठा लिए और इसका ये पल्प निकाल लिया है। चाहो तो आप इसे साबुत भी पानी में डाल के उबाल सकते हो और चाहो तो इस तरह से भी उबाल सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है, जो भी आपको इजी लगे। तो मैंने तो इजी मेथड निकाला है, तो मैंने ये पल्प निकाल लिया है और इसकी बीच की गुठली निकाल दी है। ये डाल देंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे। कोई भी आप कटोरी देख लो, बाकी कम पानी होगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं एक कटोरी ही पानी डालूंगी और अभी इन्हें दो सीटी लगाएंगे और दो सीटी में ये पक जाएंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। दो सीटी लेने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद करने के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने इसमें दो सीटी ली थी और भाप खत्म हो गई, ये ठंडा हो गया। देखिए पूरी हमारी कच्चे आम मेल्ट हो गए हैं। अब इसे हमें पीसना है, तो मैं जार में डाल दूंगी और इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने आधा गिलास करीबन पानी डालना है। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। ये पतली ही अच्छी लगती है, ज्यादा थिक होगी तो पी नहीं जाएगी, खट्टी लगेगी। इसे पतली 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 कैरी की छा, इसमें पुदीने की पत्तियां भी डालेंगे हम। ये मैंने पुदीने की पत्तियां ली है। एक कैरी के हिसाब से इतनी सफिशेंट है, ज्यादा डालोगे तो फिर पुदीने की खुशबू आएगी। खुशबू आने लगी पुदीने की। देखिए कितनी थिक बनी है, अभी भी इतनी थिक पी नहीं जाएगी। बाकी आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो ठंडी करने के लिए। और अगर आप आइस क्यूब नहीं डालना चाहते हो तो इसे के बना के फ्रिज में रख दीजिए, तो ये ठंडी हो जाएगी। इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि सभी पुदीने का फ्लेवर आ जाए। अब हम बनाएंगे एक खट्टी और एक मीठी, क्योंकि हर कोई मीठा नहीं खाता। तो मैं इसमें डालूंगी मसाले। पहले मसाले डाल देते हैं। 1/4 चम्मच में सादा नमक डालूंगी और 1/4 चम्मच ही हम काला नमक डालेंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा। थोड़ी सी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। आप काली मिर्च की जगह लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, काली मिर्च भी डाल सकते हो। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, सूखा हींग हो तो आप सूखा डाल लीजिए, मेरे पास पानी वाला है तो मैं पानी वाला डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा पुदीने की पत्तियाँ डालोगे तो ज़्यादा हरा दिख जाएगा, बाकी इतना सफिशेंट है क्योंकि हमारा एक छोटा सा कच्चा आम था। काफ़ी फायदेमंद है। हाँ, गर्मियों के मौसम में पीते हैं, इससे लू नहीं लगती और बिल्कुल इजी है बनाना। ये फ्रिज में रख दीजिए, 2 से 3 दिन तक खराब भी नहीं होती। तो आप 3-4 आम की एक साथ बना लीजिए और फिर जब भी आपको पीनी हो फ्रिज में से निकालो, ठंडी ठंडी पी लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी खट्टी वाली। अब एक बनाएंगे हम इसमें से ही मीठी वाली। अब इसमें ही हम मीठा डाल देंगे। तो मैंने पिसी हुई चीनी ली है, आप बूरा भी डाल सकते हो, पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। तो 1 चम्मच फुल करीबन हम चीनी डालेंगे। अब चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, बाकी खट्टी मीठी ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो खट्टी मीठी ज्यादा पसंद है कैरी की छाछ बोलती हूँ मैं तो। आप इसमें अगर बूंदी भी डाल के खाते हो सब्जी, मतलब चपाती के साथ, तो चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो ये हमारी मीठी वाली हो गई।
एक ही कैरी में, छोटी सी कैरी में देखिए हमारी 2 गिलास बन गए। तो ये हमारी मीठी वाली कैरी की छाछ जिसे पना बोलते हैं, और ये खट्टी। तो इसे एक बार टेस्ट भी करके बताएं कि अभी थोड़ी गर्म है, मैंने ठंडी नहीं करी, बाकी मुझे तो खट्टी मीठी पसंद है और पापा को बिना खट्टी पसंद है, वो चीनी नहीं डालते। बाकी अब मैं टेस्ट करता हूँ इन दोनों को और देखते हैं कैसी है। तो मेहुल चम्मच से टेस्ट कर लेगा दोनों ही। लो, तो ये हमने फ्रिज में रख दी थी, ठंडी हो गई है, तो अब मेहुल टेस्ट करेगा। बिल्कुल एकदम दिखने में एकदम स्वादिष्ट लग रही है, और कैरी की छाछ तो है ही एक ऐसी चीज जो तरव ताजा तंदुरुस्त भी कर देती है, और इससे लू नहीं लगती, लू नहीं लगती, और एकदम ठंडक वाली नेचुरल वाली चीज है समर ड्रिंक। तो ये है खट्टी मीठी, खट्टी मीठी है ये तो एकदम। तो हमने एक छोटी साइज की कैरी ली थी, इसमें हमने 2 गिलास बना लिए, तो आप कैरी की साइज देख ले। और ये है ओनली खट्टी, खट्टी। तो दोनों में से बेटर, जो मीठा नहीं ले सकता वो इस तरह से बना ले, बल्कि जो खट्टी मीठी है वो तो खट्टी मीठी जैसी लगती है वैसी है, बाकी मेन तो मजा इसमें ही आता है खट्टी मीठी में, और जो खट्टी वाली है एक तरह से जलजीरा जैसी लग रही है। हाँ। बाकी दोनों ही एकदम बढ़िया है, मजेदार डिश है। आप अगर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाते हैं तो जरूर से ये बनाइएगा और इसका आनंद उठाइएगा समर में। वैसे भी अभी ज्यादा ही गर्मियां पड़ने लग गई है, 40-40 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होने लग गया, तो अब तो ये पीना बनता ही है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय 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 बाय।